हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको आज दुबई में रहने का खर्चा कितना है और आप अगर दुबई आ रहे हो, विजिट पे आ रहे हो, उनके लिए मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, ठीक है। रहने का क्या खर्चा आजकल चल रहा है, रूम का क्या खर्चा है, खाने का क्या खर्चा है, ठीक है। बेसिकली ऊपर बताऊँगा, ठीक है, कितना तीन महीने के वीज़े पर ज़्यादातर आते हैं, 3 महीने के अंदर उनका कितना खर्चा लग जाएगा, ठीक है। इतना वो लेके आएंगे इतना तो उनको लेके आना ही पड़ेगा जितना मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ना कोई भी मतलब आपकी मदद नहीं करेगा। ये मैं बहुत ही आपका करीबी होगा तो ही, एकदम भाई होगा या बहुत ज़्यादा रिलेशन उससे आपका बहुत अच्छा होगा ना, तभी वो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। वरना बहुत ही कम चांस होगा कि आपकी कोई हेल्प करे। आपको अपने ऊपर ही सब कुछ, जॉब भी ढूंढने आइए तो अपने ऊपर ही होके आइए, ठीक है। किसी ने मदद कर दी वो अच्छी बात है, लेकिन कभी भी किसी के भरोसे मत आइएगा। अगर वो कह भी रहा है, ट्राई करेगा सामने वाला, वो कोशिश करेगा, लेकिन अगर उससे नहीं हो पाया तो भी अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड होके आइए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अल्लाह पे भरोसा रखिए, इंशाल्लाह ज़रूर जॉब लगेगी, ठीक है। किसी के ऊपर डिपेंड होके नहीं आना, ठीक है, ये सोच के हमेशा दिमाग में आइएगा। सबसे पहले मैं बता, आप वीज़ा लोगे, वीज़ा का कॉस्ट कम से कम 20,000 रुपये, PCR टेस्ट लेके सब कुछ लेके 20,000 रुपये आपका 3 महीने का वीज़ा पड़ जाएगा। 10,000 से 12,000 की फ़्लाइट पड़ जाएगी, मान लीजिए 10,000 की फ़्लाइट होगी आने की, 30,000 रुपये आपके फ़्लाइट आने तक हो जाएगा, दुबई पहुंचने तक। उसके बाद सिम खरीदना होगा आपको, ठीक है, सिम एयरपोर्ट पे कभी ना खरीदिएगा, डायरेक्ट पॉइंट पर आते सीधे इमरेट्स आईडी, जो भी जान पहचान का उसकी इमरेट्स आईडी लेके उससे सिम ले लीजिएगा, 5 से 10 दिरहम का सिम मिल जाएगा। अगर आप एयरपोर्ट से लोगे तो आपका 40 से 50 दिरहम लग जाएगा, जिसमें आपका 1,000 रुपये कम, 50 दिरहम 1,000 रुपये इंडिया के होते हैं, पाकिस्तान के 2,200 रुपये के आसपास होते हैं। तो आपके 1,000 रुपये से अच्छे हैं कि आप 100 रुपये में सिम खरीद लें, ठीक है। 100 रुपये में, 200 रुपये में आपको सिम, मतलब 10 दिरहम का आपको सिम मिल जाएगा, जो कि लंबे समय तक चलेगा। ये पासपोर्ट वाला सिम 3 महीना तक चलेगा, ठीक है, तो सिम ले लेंगे। रूम रेंट की बात करें, डेरा एरिया है, बर दुबई एरिया है, दुबई मरीना साइड GLT एरिया है, ठीक है। ज़्यादातर जो जॉब के लिए आते हैं वो डेरा में आते हैं या तो बर दुबई में आते हैं या तो शारजा साइड जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं दुबई का बताना तो सिर्फ दुबई, शारजा साइड इसलिए नहीं, मतलब मैं रिकमेंड करूँगा क्योंकि ज़्यादातर जो ऑफिस हैं, ज़्यादातर जो इंटरव्यू चलेंगे वो दुबई के अंदर चलेंगे। शारजा से आप अप डाउन रोज करोगे ना तो आपका बहुत किराया लग जाएगा, बहुत ही एक्सपेंसिव है। हम सोचते हैं कि यहाँ पर पेट्रोल डीजल सस्ता है, लेकिन हमारे यहाँ से भी ज़्यादा किराया लग जाता है। हम 10 किलोमीटर जाते हैं तो हमें 20-25 रुपये देने पड़ते हैं, लेकिन आप यहाँ गाड़ी में बैठ के उतर जाओगे तब भी आपको 100 रुपये देने पड़ जाएंगे नॉर्मल, 5 दिरहम कम से कम उसका बैठने का चार्ज है। अब जैसे जैसे 1 किलोमीटर बढ़ेगा, 2 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का 2 दिरहम 2.5 दिरहम है, अब सोचिए 2 दिरहम कम से कम 50 रुपये, 40 से 45 रुपये बनते हैं 1 किलोमीटर का। तो सोचिए 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही आप चलोगे, टैक्सी का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, टैक्सी से नहीं जाना है। ये तो मेट्रो भी है और बस का भी है, तो मेट्रो बस में भी कहीं भी मिनिमम कितना भी, कितनी भी छोटी राइड करेंगे 3.5 दिरहम पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन पास बनवा सकते हैं, लेकिन पास भी कॉस्टली पड़ जाएगा क्योंकि रोज़ इंटरव्यू तो देने जाएंगे नहीं, कभी कभी मिलता है, ऐसा तो है नहीं पर डे आपकी, अगर आप अपनी लाइन में जॉब ढूंढ लें तो पर डे इंटरव्यू मिलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। हफ्ते में 3 या 2, एक कभी कभी पूरे हफ्ते इंटरव्यू नहीं मिलते, ठीक है। तो कहीं भी जाइएगा, मेट्रो का यूज़ करिएगा, बस का यूज़ करिएगा। पूरे दुबई, पूरे UAE में बस चलती है, अब दुबई के मेन एरिए में जो अच्छे मेन एरिया है वहाँ पे मेट्रो पहुँचती है, जहाँ पे आपका इंटरव्यू ज़्यादातर चलेगा वहाँ तक मेट्रो आपको पहुँचा देगी। मेट्रो नहीं पहुँचाएगी तो आपको बस ज़रूर पहुँचा देगी, ठीक है। तो ट्रैवल की टेंशन ना लीजिए कि कैसे जाना, बहुत ईजी है। ट्रैवल के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, मूवीट करके है, आप उसको देख लोगे तो उसमें ऐप के थ्रू मैंने बताया था कि कैसे कैसे कहाँ पर जाना है, पैदल कहाँ जाना है, बस मेट्रो से जा रहे हैं तो मेट्रो से, अगर बस चेंज करनी तो बस पे कैसे जाना है, सब कुछ उस वीडियो में है, आई बटन में देख लीजिएगा, आई बटन में मैं उसको लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद, ठीक है। डेरा एरिया में रहेंगे, डेरा एरिया में 400 से 500 दिरहम तक नॉर्मली आपको रूम मिल जाएगा, रूम नहीं मिलेगा, बेड स्पेस मिलेगा। रूम तो बहुत महंगा है, 2,000 दिरहम, 1,500 दिरहम, 2,500 दिरहम तक होता है, उसमें भी आपको 1 ईयर का पैसा देना पड़ता है, 1 ईयर का आपको पूरा पैसा देंगे, कॉन्ट्रैक्ट होता है तब आपको रूम मिल जाएगा। एक साल का पैसा दे दोगे, जैसे जो जॉब करते हैं उनके लिए होता है, लेकिन हम जॉब ढूंढने आए तो हम बेड स्पेस में रहें ज़्यादा अच्छा है। 350 दिरहम का मिल जाएगा और 400 का भी मिल जाएगा, 500 मिल जाएगा। किसी को भी 350 दिरहम वाला चाहिए तो मेरे को कमेंट करेगा, मैं नंबर प्रोवाइड कर दूँगा, डेरा में एक बंदा है उससे आप कॉल करके बात कर लो, आपको वो रूम दे देगा, ठीक है।
मतलब बेड स्पेस आपको प्रोवाइड कर देगा। 350 दिरहम में नहीं होगा तो मैं, अगर ऐसा कोई होगा तो मैं उससे बात करके आपको वो बेड स्पेस दिला दूंगा। लेकिन नॉर्मली आप ढूंढोगे 400 से 500 दिरहम में आपको इजीली डेरा में रूम आपको बेड स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। 400 दिरहम पकड़ के चलिए, ठीक है, 400 दिरहम पकड़ के चलेंगे, 8000 रुपये इंडिया का करेंसी हो जाएगा। 100 दिरहम कम से कम ट्रेवल मान लीजिए, 500 दिरहम हो गया, ठीक है ना, और 30000 मैंने बोला, मतलब 1500 दिरहम फ्लाइट और वो, 500 दिरहम ये, 100 दिरहम 1500 वो, 2000 दिरहम आपका ये हो गया सिर्फ फ्लाइट से आने जाने का, मतलब रूम लेने का और ट्रेवल का, एक महीने का खर्चा। और खाने का खर्चा कम से कम, अगर आप होटल पे खाओगे, अगर आप होटल पे खाओगे तो कम से कम आपका 500 दिरहम आएगा, क्योंकि सुबह उठोगे तो चाय ज़रूर पियोगे, एक पराठा ज़रूर खाओगे, ठीक है, एक चाय पियोगे, एक पराठा खाओगे, सादा पराठा खाओगे ना, तो 2 दिरहम का दोनों हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद खाना खाओगे, मिनिमम कितना भी हल्का खाना खाओगे 10 दिरहम आपका पड़ जाएगा, 6 दिरहम, 6 दिरहम जब आप एक रोटी खाओगे और एक सालन है, कोई भी छोटा सालन लोगे ना, 6 दिरहम से नीचे वो सालन आपको, मतलब जो भी ग्रेवी होती है कुछ भी, जब सब्जी आप वेजिटेबल लोगे तो 3 दिरहम तक, 3.5 दिरहम तक वो मिल जाएगा। लेकिन एक खाना खाएंगे आप अच्छे से तो 10 दिरहम का आपका मिनिमम, मतलब कम से कम खाएंगे ना 10 दिरहम आपका लग जाएगा एक टाइम का खाने का, 2 टाइम का 20 दिरहम का खाना आपका हो जाएगा, ठीक है। 3 दिरहम 4 दिरहम कभी बनाना ले लिया, कभी कुछ भी ले लिया, कुछ खाने का बन गया, 25 दिरहम आपका पर डे खाने में जाएगा हर हाल में, ठीक है ना। अब 25 दिरहम में करेंगे तो आपको देख लीजिए क्या बोलते हैं, 750 दिरहम तक मंथली वो बन जाए, 750 दिरहम। लेकिन आप जब उसमें भी कटिंग करते करते आओगे तो 500 दिरहम जाएगा, 500 दिरहम, ठीक है, 2000 दिरहम वो हो गया, 500 दिरहम ये हो गया फ्लाइट का, और उसका हटा दें तो 500 दिरहम ये हो गया, और 500 दिरहम रहने और ट्रैवल का, सिर्फ खाने का, रहने का, ट्रैवल का, एक महीने का 500 दिरहम। जब आप सर्वाइव करोगे अच्छे, मतलब नॉर्मली रहोगे, आप जॉब आए रूम पे, जॉब ढूंढने गए, फिर रूम पे आए, खाना खाया, नॉर्मली जो सिंपल चाय पिया, खाना खाया, चाय पिया, खाना खाया, एक्स्ट्रा कहीं घूमने जाएंगे वो अलग है, कहीं किसी और के साथ खाना खाने जाएंगे वो अलग है, ठीक है। ये इतना एक महीने का हो जाएगा, मतलब 1000 दिरहम एक महीने, और 3 महीने का 3000 दिरहम जो नॉर्मली रहेंगे, मतलब 60000 रुपये इधर पकड़ लीजिए, 30000 रुपये उधर फ्लाइट और टिकट का पकड़ लीजिए, 90000 रुपये में, मतलब इंडिया का 90000, पाकिस्तान का 2 लाख के आसपास आप यहाँ पे आ जाओगे, आप यहाँ पे रह लोगे, आप यहाँ पे सर्वाइव कर लोगे। अब यही कहना चाहेंगे कि कुछ भी डाउट हो आपको, कुछ भी, मैंने वीडियो में सब कुछ नहीं कवर कर पाए, क्योंकि सारा कुछ बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। कोई भी छोटी भी चीज़ है, मेट्रो कार्ड हो गया, बस कार्ड हो गया, बस से कैसे जाना है, कुछ भी आपको डाउट है कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो बना के, जेन्युइन वीडियो बना के आपको दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जिससे मेरा आने वाला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।